आइए देखते हैं। सो ये क्वेश्चन स्लाइड वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। सो स्लाइड वाले क्वेश्चन को मत भी पढ़िएगा। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है बेरिंग। प्लीज नोट कीजिए कि ये वाला जो क्वेश्चन मैं अभी आपको दे रहा हूं ऑन बोर्ड, ये आपके होमवर्क से डिफरेंट है। हमारे पास एक बेरिंग है, ठीक है। सो अगर बेरिंग का मैं अंदर का सरफेस बनाऊं, वो एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। और जैसा कि स्लाइड में भी दिखाया हुआ है, इस बेरिंग के बीच में एक शाफ्ट है, और शाफ्ट का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। बेरिंग और शाफ्ट के बीच का जो गैप है वो एक ऑयल से फिल्ड है, और इसकी हम थिकनेस ले लेते हैं h, ऑयल लेयर की थिकनेस ले लेते हैं h, और ऑयल की डायनेमिक विस्कोसिटी ले लेते हैं म्यू। अब हम क्या चाहते हैं, हम इस शाफ्ट को एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घुमाना चाहते हैं, ओके। सो बेसिकली ये आपके पास शाफ्ट है, और इस शाफ्ट को आप उसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं विद द स्पीड ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फ्लूइड के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर्म होगी वो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है। फ्लूइड के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी वो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है। सो वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द शाफ्ट एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, द शाफ्ट एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। अगर आप पूछेंगे कि ये क्वेश्चन जो है स्लाइड के क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है, तो देखिए डिफरेंस ये है कि जो स्लाइड में क्वेश्चन है, आपका जो होमवर्क क्वेश्चन था, उसमें हम शाफ्ट को बेरिंग में से बाहर निकाल रहे थे, है ना। तो शाफ्ट को आपने एक ट्रांसलेशनल वेलोसिटी दी थी, यहाँ पे हम शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट्स एक्सिस, तो ये डिफरेंस है, ठीक है। सो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए प्लीज। एनी आंसर्स? ओके, सो मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। सो देखिए हमें क्या करना है, हमें शाफ्ट को रोटेट करना है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से। आप जरा देखिए, काम कीजिए सॉलिड सरफेस पे, यानी कि शाफ्ट के सरफेस पे एक पॉइंट लीजिए। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैपिटल आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से इस पॉइंट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, और लीनियर वेलोसिटी आएगी, वो लीनियर वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा आर होती है। क्या ये बात सही है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सरफेस, है ना। अब जरा देखिए इस सॉलिड सरफेस के कॉन्टैक्ट में जो पार्टिकल होगा वो भी तो सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, नो स्लिप कंडीशन के कारण। सो एक्चुअली होगा क्या, जब सॉलिड सरफेस इस तरीके से घूमेगा तो ये वाली जो पार्टिकल्स हैं या ये वाली जो लेयर है ये भी ऐसे रोटेट करेगी, और इन पार्टिकल्स की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा, और पार्टिकल्स की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो होगी ओमेगा आर। मगर जो फ्लूइड के अंदर आउटर मोस्ट पार्टिकल है या आउटर मोस्ट लेयर है, वो लेयर तो बेरिंग के साथ कॉन्टेक्ट में है, और बेरिंग रेस्ट पे है, तो बेरिंग अगर रेस्ट पे है तो ये पार्टिकल्स भी रेस्ट पे होंगे बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन, ठीक है। अब जरा देखिए फ्लूइड के अंदर एक क्रॉस सेक्शन बनाइए, ये एक क्रॉस सेक्शन बना लिया, हम इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन का नाम दे देते हैं और ये वाली डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो देखिए अगर मैं ये वाला पॉइंट लूंगा, यहां पे जो पार्टिकल है उस पॉइंट के लिए वाई की वैल्यू होगी जीरो, है ना,
और यहां पे पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी है ओमेगा आर, और जो आउटर मोस्ट पार्टिकल है उसके लिए y की वैल्यू होगी h, मगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी जीरो। सो देखिए आपके पास पार्टिकल्स हैं जिनके y डिफरेंट है और उनके वेलोसिटी भी डिफरेंट है, इसका मतलब आपका जो वेलोसिटी है वो y का फंक्शन बन चुका है। इस फ्लूइड के अंदर u जो है y का फंक्शन बन चुका है ना। सो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि इस फ्लूइड के अंदर एक लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल जनरेट होगा जो कुछ इस तरीके से होगा। सो आप कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लीजिए, ये वाला क्रॉस सेक्शन ले लीजिए तो यहां भी आपको एक लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाई देगा ऐसे, ये वाला क्रॉस सेक्शन ले लीजिए यहां भी आपको एक लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल दिखाई देगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? आई होप ये चीज सभी को समझ आ गई है, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इस फ्लूइड के अंदर एक लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल जनरेट हुआ है और वो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल हम कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं u ऑफ y इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी। अब हमें पता है जब y की वैल्यू जीरो है इसका मतलब वो पार्टिकल जो शाफ्ट के साथ कॉन्टेक्ट में है उस पार्टिकल की वेलोसिटी तो होगी ओमेगा आर, है ना। और जब y की वैल्यू h है यानी कि वो पार्टिकल जो बेरिंग के साथ कॉन्टेक्ट में है उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी जीरो। तो आपको बाउंड्री कंडीशंस पता है, इन बाउंड्री कंडीशंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको a और b की वैल्यू मिलेगी। तो मैं इनको सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो जब मैंने पहली बाउंड्री कंडीशन डाली मैंने बोला जब y की वैल्यू जीरो है u की वैल्यू ओमेगा r है, सो ओमेगा r इज इक्वल टू a इनटू जीरो प्लस b, तो आपको b की वैल्यू आ गई ओमेगा r। उसी तरह जब मैंने सेकंड बाउंड्री कंडीशन को यहां डाला तो मुझे पता है जब y की वैल्यू h है u की वैल्यू जीरो है, सो जीरो इज इक्वल टू ay यानी कि ah प्लस b। तो आपके पास b की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है ओमेगा r, तो आप बोलेंगे 0 इज इक्वल टू ah प्लस ओमेगा r, तो a की वैल्यू आ गई माइनस ओमेगा r बाय h, ठीक है। सो आपको a की वैल्यू भी पता लग गई, b की वैल्यू भी पता लग गई, यानी कि आपको फ्लूइड के अंदर वेलोसिटी प्रोफाइल पता लग गई है। अब आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सर आपने ये वेलोसिटी प्रोफाइल क्यों निकाला, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, जब हम शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं तो शाफ्ट क्या कर रहा है, शाफ्ट का सरफेस क्या कर रहा है, फ्लूइड के रिस्पेक्ट में मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो विस्कोसिटी के कारण शाफ्ट के सरफेस पे एक शेयर स्ट्रेस आएगा। शेयर स्ट्रेस क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स होता है ना। शेयर स्ट्रेस का क्या मतलब है, रेजिस्टिंग फोर्स, और ये रेजिस्टिंग फोर्स क्या करेगा, एक रेजिस्टिंग टॉर्क डेवलप करेगा, है ना। तो अगर आपको शाफ्ट पे को अगर आप शाफ्ट को कांस्टेंट स्पीड से घुमाना चाहते हैं तो रेजिस्टिंग टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। सो अगर हम रेजिस्टिंग टॉर्क निकाल लें तो एक्सटर्नल टॉर्क हमें पता लग जाएगी, इज दैट करेक्ट, इज दैट करेक्ट। मैं वेलोसिटी प्रोफाइल क्यों निकालना चाहता हूं, क्योंकि वेलोसिटी प्रोफाइल से मुझे शेयर स्ट्रेस पता लगेगा। शेयर स्ट्रेस का मतलब रेजिस्टिंग फोर्स यानी कि रेजिस्टिंग टॉर्क। एक बार आपको रेजिस्टिंग टॉर्क पता लग गया तो आपको एक्सटर्नल टॉर्क मिल जाएगा, क्योंकि हमें रेजिस्टिंग टॉर्क को बैलेंस करना है, ठीक है। अब जरा देखिए, आपको ए और y, a और b मिल चुका है, समर समझ आ रहा है सभी सब कुछ, समरजीत कोई दिक्कत तो नहीं है। सो मैंने u की वैल्यू लिखी है, मेरे ख्याल से a की वैल्यू आई है माइनस ओमेगा r बाय h और b की वैल्यू आई है ओमेगा r, क्या ये करेक्ट है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, शायद यही आई थी हमारे पास वैल्यूज। अब मैं एक काम करता हूँ, du by dy लिखता हूँ, du by dy लिखता हूँ। सो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल की एडवांटेज ये है कि फ्लूइड के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो सभी पॉइंट पे शेयर स्ट्रेसेस सेम होंगे, तो du by dy क्या बन जाएगा, माइनस ओमेगा r by h आ जाएगा। अब इससे आपको टाउ की वैल्यू पता लगी, तो टाउ की वैल्यू होती है म्यू डी यू बाई डी वाई। वैसे तो हमें जो शेयर स्ट्रेस चाहिए वो सॉलिड सरफेस पे चाहिए, यानी कि इस पॉइंट पे y इक्वल टू जीरो पे, बट इधर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है, ठीक है। सो करेक्टली तो ऐसे लिखा जाता y इक्वल टू जीरो, ये करेक्ट मेथड होता लिखने का। अब आपके पास आंसर क्या आ गया है, माइनस म्यू ओमेगा आर बाय एच। अब देखिए माइनस साइन से घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास माइनस साइन यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले जो हमने एनालिसिस किया है, हमने जो भी रिजल्ट्स लिखे हैं
उसमें y इक्वल टू जीरो का मतलब था वो वाला सॉलिड सरफेस जो कि रेस्ट पे है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, y इक्वल टू जीरो का मतलब है मूविंग सॉलिड सरफेस, इसलिए आपको ये नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। मगर टाउ का मैग्नीट्यूड कितना है, म्यू ओमेगा आर बाय एच, ये टाउ का मैग्नीट्यूड है। अब देखिए अब आपको क्या मिला है, आपको मिला है कि आपके पास एक शाफ्ट है कुछ इस तरीके से जो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है। सो शाफ्ट जो है फ्लूइड से सराउंडेड है, सो शाफ्ट और फ्लूइड के बीच में शेयर स्ट्रेस होगा। तो अगर शाफ्ट ये कौन सी मोशन है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो शाफ्ट के सरफेस पे टाउ जनरेट होगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब टाउ की वैल्यू आपको पता लग गई है, टाउ इंटू एरिया क्या बताएगा, शेयर फोर्स बताएगा। वेरी गुड, वेरी गुड रोहित, शेयर फोर्स बताएगा। मगर मैं एरिया कौन सा लू, मैं ये वाला एरिया लू, क्रॉस सेक्शन वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, या फिर ये पेरिफेरल एरिया लू 2 पाई आर एल। अगर ये शाफ्ट ऐसे रोटेट कर रहा है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ये शेयर स्ट्रेस पेरिफेरल एरिया पे डेवलप हुआ है या फिर एंड सरफेस पे डेवलप हुआ है। आई थिंक शाफ्ट और फ्लूइड के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो पेरिफेरल एरिया पे है ना, तो आप पेरिफेरल एरिया ही लेंगे, 2 पाई आर एल लेंगे, ठीक है। सो आपके पास शाफ्ट पे जो शेयर फोर्स आएगी टोटल, दैट विल बी टाउ इनटू एरिया, दैट इज टाउ इनटू 2 पाई आर एल। सो आपके पास शेयर फोर्स की वैल्यू आ रही है टाउ, जो कि है म्यू ओमेगा आर बाय एच इनटू एरिया, दैट इज 2 पाई आर एल। सो ये आपके पास बन गया 2 पाई म्यू ओमेगा आर स्क्वायर एल बाय एच, ये शेयर फोर्स आ गई। मगर शेयर फोर्स के कारण, क्योंकि हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो रोटेशन में फोर्सेस की बजाय आपको टॉर्क चाहिए, तो शेयर फोर्स इनटू रेडियस ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा टॉर्क बन जाएगी। सो आपके पास टॉर्क आएगी टोटल 2 पाई म्यू ओमेगा आर क्यूब एल बाय एच। ये रेजिस्टिंग टॉर्क है, ये रेजिस्टिंग टॉर्क है, फ्रिक्शनल टॉर्क है। तो अगर शाफ्ट को कांस्टेंट स्पीड पे घुमाना है तो फ्रिक्शनल टॉर्क को बैलेंस करना पड़ेगा, तो आपको इतनी ही टॉर्क लगानी भी पड़ेगी। क्लियर, इतनी ही टॉर्क आपको लगानी भी पड़ेगी। सो क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। एनीवन, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए, ठीक है। सो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है, अगर तो आगे बढ़ते हैं। रोहित, इंटीग्रेट कब करना पड़ता बेटे, जब अलग अलग पॉइंट्स पे शेयर स्ट्रेस भी डिफरेंट होता, मगर यहाँ पे ऐसा एज्यूम नहीं किया मैंने, ठीक है। अगर पेरिफेरल सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस डिफरेंट होता, तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट शेयर स्ट्रेस होता, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता, ठीक है। अब क्योंकि हर पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस सेम ले रहे हैं, तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी क्या होता है, टाउ जो है बाहर आ जाता, ठीक है। सो एक बार आपका होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, मैं सिर्फ मेथड देख लेता हूं, और फिर एक क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। अभी हम मैंने जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, उस क्वेश्चन का मेथड देख लेते हैं, क्योंकि ये जो आपने क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन है रोटेशन का, मगर होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ट्रांसलेशन का। सो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपकी स्लाइड्स पे आपका होमवर्क क्वेश्चन है, लास्ट टाइम का होमवर्क क्वेश्चन। सो ये आपके पास एक बेरिंग है, ठीक है, और बेरिंग के अंदर एक शाफ्ट है। सो हमें क्या दिया हुआ है कि हमें शाफ्ट को बाहर निकालना है एक कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ, कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ यू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और शाफ्ट और बेरिंग के बीच का जो गैप है वो दिया हुआ है h मान लेते हैं, और जो डायनेमिक विस्कोसिटी है म्यू। तो वैसे तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है, मैं वेरिएबल्स लेके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, ये जो शाफ्ट है, जब ये आगे जा रहा है, सो बेसिकली शाफ्ट और फ्लूइड के बीच में शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा। तो जब शाफ्ट आगे जा रहा है तो शाफ्ट पे शेयर स्ट्रेस लगेगा पीछे की तरफ, सो पेरिफेरल सरफेस पे एक शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा जो लगेगा पीछे की तरफ, है ना। और मान लेते हैं ये शेयर स्ट्रेस है टाउ,
और जो पेरिफेरल सरफेस है वो है 2 पाई आर एन. सो शाफ्ट पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी पीछे की तरफ 2 पाई टाउ इनटू 2 पाई आर एन. ठीक है. सो हमारे पास क्या है, जब शाफ्ट को बाहर की तरफ पुल करेंगे तो शाफ्ट और फ्लूइड के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा, यानी कि शाफ्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की तरफ. तो जब तक आप इस फ्रिक्शन फोर्स को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक शाफ्ट कांस्टेंट स्पीड से बाहर नहीं आएगा. सो एक बार आपने फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट कर ली तो आपको आपकी एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स भी पता लग जाएगी. अब देखिए इस फ्रिक्शन फोर्स में हमें टाउ नहीं पता, वो निकाल सकते हैं कैसे. ये वाले जो पार्टिकल्स हैं जो कि शाफ्ट के साथ कॉन्टेक्ट में है ये तो नो स्लिप कंडीशन के कारण सेम स्पीड के साथ मूव करेंगे, दैट इज यू मीटर पर सेकेंड. मगर जो पार्टिकल्स बेरिंग के साथ कांटेक्ट में है वो तो रेस्ट पे रहेंगे, है ना. सो इनकी स्पीड कितनी होगी, जीरो. ठीक है. अब आप देखिए कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो एक्सिस के पैरेलल है, शाफ्ट की एक्सिस के पैरेलल है. पिछले केस में क्या था, शाफ्ट को हम अपनी एक्सिस के अबाउट घुमा रहे थे तो पार्टिकल्स जो है ऐसे जा रहे थे. आई होप आप समझ पा रहे हैं, है ना. So, वहां पे क्या था, पार्टिकल्स की जो मोशन थी वो ऐसे सर्कुलर मोशन थी, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर थी. इस केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स जो है शाफ्ट एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है. ठीक है. हालांकि वेलोसिटी प्रोफाइल आपको सेम दिखाई देगी. अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमें फ्लूइड के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी उसको लीनियर लेना है. सो आप क्या कीजिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम मार्क कर लीजिए एक्स वाई. ठीक है. So, ये वाला जो पॉइंट होगा ये बन जाएगा y equal to 0 और ये वाला जो पॉइंट होगा ये बन जाएगा y equal to h. इस पॉइंट पे y equal to 0 पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है कैपिटल u, y equal to h पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है 0. ठीक है. सो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसी दिखाई देगी. सो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे u of y is equal to ay plus b और आप अपनी कंडीशंस पुट कर देंगे. तो आप बोलेंगे at y equal to 0 your small u equal to capital u. so values put करके देखते हैं, तो capital u equal to 0 plus b, तो b की value आ गई आपके पास capital u. उसी तरह आप बोलेंगे at y equal to h small u is equal to 0, no slip condition with bearing. so आप क्या बोलेंगे, इस value को यहाँ put करेंगे function में फिर से, तो आप बोलेंगे 0 is equal to ah plus b, अगर b की value क्या है capital u, तो a की वैल्यू आ गई माइनस यू बाई एच. ये आपके पास a की वैल्यू आ गई है. ठीक है. सो फाइनली आपके पास u जो फंक्शन है दैट इज माइनस यू बाई एच वाई, ये आपके पास u एज अ फंक्शन ऑफ y आ गया, तो du बाई डी वाई आएगा माइनस यू बाई एच. ये आपके पास du बाई डी वाई की वैल्यू पता लग गई. तो फ्लूइड के अंदर टाउ कैसे लिखते हैं, वो लिखते हैं म्यू इंटू ए. सो ये बन जाएगा tau बन जाएगा mu du by dy. so ये बन जाएगा mu capital U by h, tau into area, ये है friction force. so mu capital U by h into 2 pi RL, this is the friction force, that is the external force also. ठीक है. so previous question और इस question में क्या फर्क है, previous question में shaft को अपनी axis के about rotate कर रहे हैं, यहाँ पे shaft को बाहर निकाल रहे हैं. ठीक है. प्रीवियस क्वेश्चन में जो पार्टिकल्स की मोशन होगी वो शाफ्ट की एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, वो सर्कुलर मोशन होगी, इसलिए टाउ भी कुछ इस तरीके से लगेगा सरफेस पे. ठीक है. सो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपके पास ये वाला शाफ्ट था तो हर पॉइंट पे जो टाउ लगेगा वो इस तरीके से टेंजेंट सर्कमफ्रेंस के अलोंग लगेगा, टाउ जो लगेगा सर्कमफ्रेंस के अलोंग लगेगा, मगर इस क्वेश्चन में टाउ जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो फर्क है दोनों. ठीक है. क्लियर है, किसी को क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. ओके. सो ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए. ठीक है. सिंपल क्वेश्चन है, घर पे कीजिएगा होमवर्क क्वेश्चन, नोट कर लीजिए. टाइम आप सेव कर सकते हैं कैसे, आप होमवर्क क्वेश्चन की फोटो ले सकते हैं या फिर आप स्किपिंग टूल यूज करके भी स्नैपशॉट ले सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन करके भी स्नैपशॉट ले सकते हैं. सो आईईएस 2004 में पूछा गया था.
क्वेश्चन नोट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं होमवर्क के लिए। आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट टाइम तो नहीं दिए थे। एक और क्वेश्चन है बोर्ड पे आपके, सो बेसिकली क्या है हमारे पास, और इस डिस्क का मास है एम के जी। सो क्या है कि ना एक सॉलिड सरफेस है और सॉलिड सरफेस के ऊपर एक ऑयल की लेयर है। अब हम क्या करते हैं, एक डिस्क लेते हैं, उस डिस्क को ऑयल के अगेंस्ट प्रेस करते हैं। डिस्क को आप ऑयल के अगेंस्ट प्रेस करते हैं और डिस्क को इस तरीके से रोटेट करते हैं ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, ठीक है। सो उनका क्वेश्चन ये है कि अगर फ्लूइड के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी वो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल है, तो डिस्क को कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करने के लिए कितना टॉर्क चाहिए होगा और कितनी पावर सप्लाई चाहिए होगी, ठीक है। वो कह रहे हैं फ्लूइड के अंदर जो वेलोसिटी प्रोफाइल है उसमें उस वो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगी, तो डिस्क को कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करने के लिए कितना टॉर्क और पावर चाहिए होगा, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल हम डिस्कस करेंगे, आज इसको ट्राई करके देखिएगा। नोट कर लिया, आई होप आपने स्लाइड वाला क्वेश्चन भी नोट कर लिया और बोर्ड वाला क्वेश्चन भी नोट कर लिया है, क्योंकि मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं अगेन फॉर होमवर्क। ओके, सो ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस थे।